सो हेलो फ्री फायर गेमर्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर गेमिंग चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैंड मास्टर पुशिंग डिफरेंट ट्रक के बारे में। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, 7 तारीख को हम लोग को आने वाला है नया रैंक सीजन। तो आप लोग को मैं 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा ग्रैंड मास्टर पुशिंग से रिलेटेड, जो आपको पुशिंग में बहुत बहुत हेल्प आने वाली है। जिस बंदे का लेवल कम है, जिस बंदे को खेलने नहीं आता, जिस बंदे के पास स्क्वाड नहीं है भाई, वो उन बंदों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जिस बंदों के पास स्क्वाड भी नहीं रहेगा, मैं ऐसा टिप्स एंड ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप लोग सोलो में भी आराम से पुशिंग कर सकते हो। तो अभी तक अगर मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर करना, क्योंकि गाइस मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद एक और सेकेंड पार्ट लाने वाला हूँ वीडियो का, कि आप लोग सीक्रेट कौन कौन सी प्लेस है फ्री फायर के अंदर जहाँ पे आप लोग सर्वाइविंग के लिए बेस्ट होती है प्लेसेस, वैसा और भी मतलब मजेदार टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग पुश कर रहे हो या नहीं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग का जो नया रैंक सीजन है वो 7 तारीख को आ रहा है। 7 तारीख को आप लोग ग्रैंड मास्टर के लिए पुशिंग कर सकते हो। और गाइज, मैं आप लोग को जो पहला टिप्स एंड ट्रिक आपको बता दूं, गाइज आप लोग को ना डुओ खेलना है ना स्क्वाड खेलना है। क्यों नहीं खेलना आपको? बस खेलना है तो बस सोलो खेलना है। अब आप लोग पूछोगे गाइज, सोलो क्यों खेलना है, स्क्वाड क्यों नहीं खेलना है? तो गाइज देखो, इसका दो कारण है। एक तो बहुत बंदों के पास उनके टीममेट्स नहीं होंगे, उनके पास एक अच्छी स्क्वाड नहीं होगी पुशर, ठीक है, तो उन लोग के लिए सोलो बेस्ट रहेगा। और एक और बात बता दूं, अगर आप लोग स्क्वाड में पुश करना चाहते हो तो गाइज पुश नहीं करना है, क्योंकि गाइज हम लोग का जो इंडिया सर्वर का जो मतलब सर्वर है गाइज, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। क्योंकि हम लोग के सर्वर में बहुत से हैकर, इतने गंदे गंदे हैकर हैं भाई, आप लोग को मतलब कभी कभी गेम में भी मिल जाते होंगे। तो गाइज एक और सीन मतलब ये रहेगा कि अगर आप लोग स्क्वाड में पुश करना चाहते हो तो गाइज मत करना, ये मेरी एडवाइस है। क्योंकि गाइज जब स्टार्टिंग का जो नया रैंक सीजन आएगा, अधिकतर बंदे हैकर लेके पुश करेंगे स्क्वाड में, अपनी टीममेट्स का पुशिंग कराएंगे। तो गाइज आप लोग स्क्वाड पुशिंग नहीं करना। अब आप लोग डुओ में आप लोग पूछोगे कि भाई तुम डुओ में क्यों मना कर रहे हो पुशिंग करने के लिए? तो गाइज डुओ में भी यही सीन रहेगा, डुओ में भी बंदे अपने साथ एक हैकर को लेके खेलेंगे अपना रैंक प्लस करने के लिए। तो गाइज सबसे बेस्ट जो आप लोग का ऑप्शन बचता है वो है सोलो। सोलो में गाइज कोई हैकर आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा 100% सियोरिटी है। अगर आपके किसी भी गेम में अगर हैकर मिले तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके गाली दे सकते हो, उसका मैं पूरा आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो गाइज ये रहा आपका पहला जो टिप्स एंड ट्रिक है, आप लोग को खेलना है सोलो। अब सोलो क्यों खेलना है मैं बताता हूँ गाइज। देखो दोस्तों, सोलो आप लोग के लिए क्यों बेस्ट रहेगा, देखो सोलो में सीन ये रहता है गाइज, आप लोग को बस आपके सामने एक ही बंदा रहेगा, मतलब आपको बस एक ही बंदा मारना होगा, वो भी आप सर्वाइव करके टॉप 10 का वेट करना, ठीक है। अब अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में फाइट नहीं लेना है, आप लोग को हमेशा टॉप 10 टॉप 5 का वेट करना है, उसके बाद आप लोग को फाइट लेना है। तो गाइज अभी जो हम लोग को फ्री फायर में ऐसा है ना, अभी सब बंदे अच्छा खेल लेते हैं, तो भाई आपके सामने अगर एक बंदा होगा तो एक बंदों को तो आप लोग इजिली मार सकते हो। अगर गाइज जैसे मान लो, अगर आप लोग स्क्वाड खेलो, स्क्वाड में मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आप लोग स्क्वाड खेलोगे, स्क्वाड में आपके अधिकतर गेम में हैकर आएंगे, और प्लस मान लो अगर आपका टीममेट्स अच्छा नहीं है, आपके टीममेट्स के पास अच्छा मोबाइल नहीं है, डिवाइस नहीं है, तो गाइज वहां पे आप लोग का मतलब कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। क्योंकि सामने 4 बंदे रहेंगे और आपके बंदे अगर अच्छा नहीं खेल पाएंगे तो आप वहीं पर आपकी टीम खत्म हो जाएगी। बट सोलो में ऐसा नहीं होगा। सोलो में अगर आपको लगे कि अगर आपके सामने वाला बंदा आप पे भारी पड़ रहा है, तो गाइज आप कैसे भी ग्लू वॉल लगा के एक बंदे को आप चकमा देके निकल सकते हो। तो गाइज ये रहा आपका सेकंड जो टिप्स एंड ट्रिक है ग्रैंड मास्टर पुशिंग के लिए। अब हम लोग जो तीसरा टिप्स एंड ट्रिक है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, जो मैं कल एक सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, कल नहीं परसों जो मैं लेके आऊँगा सेकंड पार्ट अपने इस चैनल पे अपने ग्रैंड मास्टर पुशिंग के लिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, क्योंकि गाइज वो जो वीडियो रहेगी ना बहुत ही ज़्यादा खास रहेगी। तो चलो दोस्तों, अभी बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो गाइज देखो, आप लोग का जो थर्ड टिप्स एंड ट्रिक है, आप लोग को हमेशा की कैरेक्टर यूज करना है। क्यों यूज करना है मैं आपको बता दूँ। देखो सीन ये रहेगा गाइज, अगर आप लोग की कैरेक्टर
कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो आप हमेशा थर्ड जोन तक आप सर्वाइव कर सकते हो। और अगर दोस्तों अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर पुशर हो ना, तो आप लोग को हमेशा जोन के अंदर ही सर्वाइविंग करना पड़ेगा हमेशा एवरी टाइम। अगर आप लोग मतलब कोई भी सिचुएशन में आप लोग हमेशा आपको जोन के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप लोग सर्वाइविंग के लिए अगर कर रहे हो तो आप लोग को हमेशा के कैरेक्टर बेस्ट पड़ेगा, बेस्ट एकदम। तो अगर आप लोग चाहते हो के कैरेक्टर का पूरा मतलब यूज करके मैं आपको दिखाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि भाई के कैरेक्टर के लिए भी एक वीडियो लेके आओ, तो मैं उसके लिए भी दोस्तों एक वीडियो लेके जरूर आऊँगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे जो 4 टिप्स एंड ट्रिक है। क्यों देखो दोस्तों आप लोग बोलो कि भाई इतनी जल्दी जल्दी भाई ये वीडियो खत्म कर रहा है। देखो मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग का ज़्यादा टाइम बर्बाद हो, छोटे मतलब शॉर्ट में जितना हो सके मैं आप लोग को पूरी बातें अच्छे अच्छे से समझा दूँ। और जो मेरा सेकेंड जो कल एक वीडियो आएगा उसके लिए भाई आप लोग जल्दी से चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब है तो प्लीज़ चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो अभी चलो बात करते हैं दोस्तों अपने मेन जो थर्ड टॉपिक है उसके बारे में। तो भाई लोग मैं आप लोग को बता दूं जो 7 तारीख को मतलब दोपहर में 2:30 बजे गाइस नया जो रैंक सीएन आएगा आपको उसी टाइम से मतलब गेम खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब आप उसी टाइम सोलो खेलना स्टार्ट करना और आपको सुबह के 8 बजे तक कंटिन्यूस खेलना है गाइस। मतलब आपको नॉन स्टॉप खेलना पड़ेगा, बिना सोए बिना खाए बिना पिए तभी जाके आप लोग ग्रैंड मास्टर पहुँच पाओगे। तो भाई स्ट्रगल तो आप लोग को करना पड़ेगा। अगर आप लोग आते हो ग्रैंड मास्टर पे जाना तो भाई आपको आपका एक दिन का नींद हराम करना पड़ेगा। तो मतलब गाइस देखो ऊपर से जितना आपको मेन जिस टॉपिक जो आप मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस जो अभी कल जो वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे गाइस वो बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि गाइस उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्लेसेस पे आपको उतरना है, कौन सा कैरेक्टर स्किल आपको यूज करना है, कौन सा पैट आपको यूज करना है, कौन सी जगह पे आपको फाइट करना है, कौन से जोन में आपको मतलब सर्वाइव करके निकलना है, आप लोग सेकेंड जोन में कैसे निकल सकते हो, के कैरेक्टर का क्या कैसे यूज करके आप थर्ड जोन में से भी निकल सकते हो, बिना मेडी के आप फर्स्ट एंड सेकेंड जोन कैसे सर्वाइव कर सकते हो, मतलब और जितनी खतरनाक मतलब ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड रहेंगे ना गाइस मैं आपको कल वाले वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। तो उसके लिए आपको आपको अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर करना होगा। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।